न्यूज़पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 267 अंक चढ़कर 65216 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 83 अंकों की बढ़त रही, ये 19394 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत बढ़ी है। दिल्ली में सोना 50 रूपये महंगा हुआ, सोने की कीमत 59300 रूपये हो गया है। में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी अब भी एक किलो चांदी 72500 रूपये है। जब तक टमाटर की कीमतें सामान्य नहीं हो जाती तब तक सरकार रियायती दरों पर टमाटर बेचना जारी रखेगी। सरकार के मुताबिक फिलहाल खुदरा बाजार में टमाटर 50 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसे में रविवार से सरकारी टमाटर की कीमतें भी कम कर दी गई हैं। खुदरा बाजार में अब सरकारी टमाटर 40 रुपए किलो के भाव से बेची जा रही है। किसानों की नाराजगी के बीच सरकार ने प्याज निर्यात पर लगाए गए 40% टैक्स को सही ठहराया है। सरकार का कहना है कि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल प्याज निर्यात पर 40% टैक्स लगाने के विरोध में महाराष्ट्र के नासिक जिले में कई स्थानों पर किसान और व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं।